हाई फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंसु टेक पार्क। और मेरा नाम है रैचल, नन हेसर रैचल। गाइज, ओंदु लैपटॉप बंदिदे डेड कंडीशन अल्ली इवत्तु लैपटॉप। सो नानु मोस्ट ऑफ ऑल एल्ला चेक माड्बिट्टिद्दीनि। सो एनिदे पार्ट नंबर अंतंद्रे 153-41-91N85। इदु बंद्बिट्टु डेल इन्स्प्रॉन 3567 मॉडल। इट इस नथिंग बट सो स्टेप बै स्टेप डेड लैपटॉप ना याव तर स्टेप बै स्टेप चेक माड्तारे, हाउ टू चेक द डेड लैपटॉप स्टेप बै स्टेप, कैसे हम लोग स्टेप बै स्टेप एक डेड लैपटॉप पे हम लोग चेक करते हैं, मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ। प्रीवियसली वीडियोस पे ऑलरेडी मोस्ट ऑफ ऑल मेरे वीडियोस पे मैं बता चुका हूँ, लेकिन ये इस पे भी बताने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार दिखा के आते हैं। चलो गाइस, वोल्टिंग सेक्शन जहाँ पे भी हम लोग अडाप्टर डालते हैं, देखिए मैं ऑलरेडी आउटपुट दे चुका हूँ 19.5 एज वेल एज 3.3 वोल्ट्स का, अभी मैं आउटपुट दे रहा हूँ। ठीक है गाइस, जब ये अडाप्टर इंसर्ट करते हैं ना, यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट रहता है, दिस कॉमन पॉइंट इज नथिंग बट 19.5 आना चाहिए। यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि यू आर गेटिंग ए 19.5 वोल्ट्स, राइट गाइस। तो बैटरी सेक्शन के एक पिन पे तो हम लोगों को आना है 3.3 वोल्ट्स, बट वी आर गेटिंग हियर 3.3। ठीक है गाइस, तो हम जो अब नेक्स्ट हम चेक करने वाले हैं स्टेप डाउन सेक्शन, दिस इज नथिंग बट आवर स्टेप डाउन सेक्शन। स्टेप डाउन सेक्शन में आना है हमको 5 वोल्ट्स एज वेल एज 3.3 वोल्ट्स, यहाँ पे आ रहा है मेरे को 5 वोल्ट्स 3.3 वोल्ट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं कि आरटीसी पे मुझे 3.3 आ रहा है, तो आरटीसी के डायोड पे भी मेरे को 3.3 वोल्ट्स आना इज मस्ट एंड शुड, वो भी एक पावर सिक्वेंसी है। ठीक है, तो आरटीसी का, हाँ यहाँ पे मेरे को मिल गया है कि आरटीसी का रजिस्टर है 3.3 वोल्ट्स एज वेल एज आरटीसी का डायोड है 3.3 एज वेल एज आरटीसी का कैथोड भी है 3.3 वोल्ट्स, राइट गाइस। तो चेक करते हैं एक बार कहीं हम लोगों का अयोग्य शॉर्ट तो नहीं है। ठीक है, तो आयो शॉर्ट है या नहीं हम लोग चेक करते हैं। आयो पे भी हम लोगों को वोल्टेज आना है 3.3 वोल्ट्स, आई एम गेटिंग 3.3 हियर। और बायस चेक करके देखते हैं, बायस के पिन नंबर 8 पे 3.3 वोल्ट्स। ठीक है फ्रेंड्स, एवरीवेयर जो पावर सीक्वेंस लैपटॉप ऑन होने का जो स्पेस है, एवरीवेयर वी आर गेटिंग 3.3 वोल्ट्स। चलिए एक मैंने मिस कर दिया, दैट इज नथिंग बट ए पावर ऑन स्विच, यहाँ पे है मेरा पावर ऑन स्विच, तो ये पावर ऑन स्विच पे भी हम लोग चेक करके देखते हैं वेदर आई एम गेटिंग 3.3 वोल्ट्स और नॉट। ठीक है गाइस, हियर ऑल्सो आई एम गेटिंग ए 3.3 वोल्ट्स, राइट। सो द पावर ऑन स्विच। ठीक है गाइस, दस ऑल पावर सीक्वेंसेस आर ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीमीटर को बजर मोड में रख देंगे और चेक करते हैं कहीं कोई ना कोई सेक्शन शॉर्ट है या नहीं। दिस सेक्शन इज नॉट गेटिंग शॉर्ट, ये मेरा रैम सेक्शन है शॉर्ट नहीं है, ये मेरा बैटरी सेक्शन शॉर्ट नहीं है, ये मेरा सीपीयू है 17.6 और ये 8.9 और ये 8 ऑलमोस्ट 8। तो ये क्या है, एसओसी बोर्ड जब ऑन बोर्ड पे रहता है तो ये मेरा रेजिस्टेंस वैल्यू इतना ही निकलना चाहिए, इट डिपेंड्स ऑन प्रोसेसर के जनरेशन के ऊपर हम लोगों को आता है। सो दिस इज अभी जो ग्राउंड से जो कॉइल बीप हो रहा है, दैट इज नथिंग बट ए शॉर्ट हम लोग बोलते हैं समटाइम्स, बट ये ऐसा नहीं है कि एसओसी बोर्ड है, तो इसमें तो ऑलमोस्ट आपको एक वैलिड एक 10 रेजिस्टेंस या 12 रेजिस्टेंस या 14 रेजिस्टेंस या 15 रेजिस्टेंस या 17 या 20 ऐसे रेजिस्टेंस पे आपको मिल जाएगा ऑलमोस्ट केसेस में। ठीक है, तो गाइस ये था एक छोटा सा वोल्टिंग सेक्शन, ठीक है, बैटरी सेक्शन ठीक है, स्टेप डाउन भी ठीक है, आईओ भी ठीक है, बायोस ठीक है, शॉर्ट भी कहीं पे भी नहीं है, तो इसका प्रोग्रामिंग के बारे में भी सोचना पड़ेगा। जब तक हम इसे प्रोग्रामिंग करके आगे नहीं बढ़ाते, आरटीसी भी हम लोगों ने चेक कर लिया, इट इज ऑल्सो वर्किंग फाइन। ठीक है, ये सब कंडीशन में जब वोल्टेजेस मेरा प्रेजेंट रहता है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं विद रीप्रोग्रामिंग के साथ, बायोस रीप्रोग्रामिंग के साथ। देखिए गाइस, बायोस यहाँ पे है इसका, लेकिन दिस इज अ फ्रेश बोर्ड, किसी ने इसे अटेम्प्ट भी नहीं किया है, और ईसी बायोस इसमें नहीं है क्योंकि ये मदरबोर्ड जो है ना, ये विदाउट ईसी बायोस से ही सपोर्ट चलता है, मेन बायोस एक ही होता है। एक बार हम लोग इसे बायोस रीप्रोग्रामिंग करके देखते हैं वेदर इट विल वर्क और नॉट।
दिस इज नथिंग बट माय बायस आईसी। तो मैं इस पर आपको रीप्रोग्रामिंग करा के लिखता हूँ। गाइस दिस इज नथिंग बट 16 MB का फाइल है, चिप है 16 MB का, चिप हो सकता है या चिप है ऑलरेडी 16 MB वाला। गाइज इट टेक्स सम टाइम बिकॉज थोड़ा फाइल बड़ा है इसमें। गाइज ये मारतीरा दीज ऑल आर द बेसिक नीग बेसिक वोलटेजस् प्रेसेंट इतना नान बयास माता वो ಇನ್ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಈಗ ಬಯಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ನನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಪ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರೆಡಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಾನು ಫರ್ದರ್ ಮತ್ತೆ ತೊಗೋಬೇಕನ್ನೋದು ನೀವು ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆದರೆ ನಾನು ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಇನ್ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಈಗ ಎಲ್ಲ ವೋಲ್ಟೇಜಸ್ ಇದೆ ಸರ್ ನಾನು ಬಯಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಯಸ್ ಆಯಿತು ಬಯಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ನನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಈಗ ಆನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳು ಫರ್ದರ್ ನಾನು ತೊಗೋಬೇಕನ್ನೋದು ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಚೀಗೆ ಕನ್ಸು ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಲೈವ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆರ್ ದ ಲೈವ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಥರನೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಡೀಲರ್ಸಿಂದ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ವರ್ಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದೆ ಕನ್ಸುಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್ Thank you.
ಬಿಕಾಸ್ ರೀಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಂಪಿಯರ್ ನನಗೆ ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 400, 500, 600 ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಜನರೇಷನ್ ಅದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ರೊಟೇಷನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗೈಸ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೈಟ್ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಂಪಿಯರ್ ಸಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 482 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಫ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ನೌ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಒನ್ಸ್. See, ampere goes off again. It's booting. Ampere goes off. Third time 100% it will get on, as well as we will get a display also. Ampere is nothing but a 256. Display has to come now. Okay guys, this is nothing but my display. If you want, I'll show you in the internal display also. Screen se bhi main aapko connect karke batata hu ek baar. Yes, I'll show you the internal display also. Yes, ampere ho chuka 285. We are getting display also. This is the thing. Right, yes. So, ಇದು ಒಂದು ವೇ ಇತ್ತು ಡೆಡ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನ ಅಪ್ಪು ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಬಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು. ಇಶ್ಯೂ ಲೈಕ್ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ರೀಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬಂತು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್, ಈಗ ರೆಡಿ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ರೀಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗೂ ನನಗೆ ಫರ್ದರ್ ನಮಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್? ಠೀಕ್ ಗೈಸ್, ಜಬ್ ಮೇನ್ ರೀಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಮೇರ ಔಟ್ಪುಟ್ ನೀ ಆ ರಾ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನೀ ಆ ರಾ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಡೆಡ್ ಥಾ ಜೊ ಆನ್ ನೀ ಹುವಾ, ಸಬ್ ವೋಲ್ಟೇಜಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹೋನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಭೀ ಕುಚ್ आगे क्या करते हैं स्टेप्स वो मैं आपको लाइव मेरे क्लासेस में आपको बता के दूंगा. और मेरा नाम है राइचल और मेरा नंबर है 9739450230. 101% मैं 101% आपको आउटपुट लगा के ही रहूंगा, क्योंकि जो भी बंदा यहाँ पे आता है, या नॉलेज रहे या ना रहे, कार्ड लेवल पे, चिप लेवल, टेक्नोलॉजी, इसके बारे में कुछ पता है या नहीं को आ सकता है मेरे पास, तो हम लोग उसे ऐसे ही ट्रेन करते हैं लाइव लैपटॉप के साथ, उनके हाथ से काम करवाते हैं कि आउटपुट कितना वो लोगों का आता है बोल के. ठीक है गाइस, बाय बाय, सी यू एंड नेक्स्ट वीडियो में और एक बार मिलता हूँ. बाय.